आज एक इन्वर्टर आया है, देखिए लुमिनस का 24 वोल्ट का है ये, और इसका मॉडल है प्रो यूपीएस 2250। इसका प्रॉब्लम ये देखिए, यूपीएस तो ऑन हो जाता है, बैकअप साइट ओके है, चार्जिंग जब ऑन करते हैं तब इसमें पूरा वाइब्रेट आ जाता है। ये सुनिए साउंड, पूरा हाई एम्पियर ले रहा है। ये 24 वोल्ट का सेट है, इसमें हाई एम्पियर लेने से क्या क्या करना पड़ता है हम ओपन करके दिखाते हैं आपको। इसमें देखिए हाई एम्पियर लेने से सबसे पहले गेट को ओपन करना है, गेट को ओपन करने के बाद चेक करना है ये जो चार्जिंग केयर है, इसको चेक करना है ये शॉर्ट है क्या, यहाँ पे लगा है BT140 नहीं तो BT139 होगा इसका नंबर, इसे चेक करना है पहले। ये सही होगा तो बाद में हमको क्या करना है, ये कपलर IC चेंज कर देना है। ये कपलर IC की वजह से हमारा हाई एम्पियर लेता है, तो कपलर IC U5 में लगा हुआ है और इसका नंबर है 3052। ये देखिए सफ़ेद जो कपलर IC है उसे बदलना है, पहले इसे चेक कर लेना है, पहले इसे चेक करना है ये सही है तो उसको बदलना है, ये सही नहीं होने से इसको बदल के भी काम नहीं होगा। और ड्राइव को ज़रूर चेक करना है, ड्राइव से भी वाइब्रेट आता है, तो इस हमारा केस में ये सेट में UPS साइट होके है इसीलिए ड्राइव चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ रहा है। हम इन दोनों चीज़ को चेक करेंगे, अभी ओपन करता हूँ, ओपन करके देखता हूँ क्या ख़राब है इसमें। तो मीटर को देखिए कंटिन्यूटी मोड में सिलेक्ट कर लिया हो और ये दोनों गेट ओपन कर दिया हो, अभी पहले इसे चेक कर लेना है, ये शॉर्ट होने से भी हमारा हाई एम्पियर लेगा। देखिए इसमें कोई शॉर्टेज नहीं है, ये ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, ये देखिए यहाँ पे AC कपलर लगा हुआ है और यहाँ पे चार्जिंग कपलर लगा हुआ है, ये चार्जिंग कपलर को हमें बदल देना है, ये वाला U5 में जो कपलर है इसे बदल देना है। इसे हम बदलते हैं, बदलते देखते हैं हमारा प्रॉब्लम ठीक होता है क्या। तो हमने ये IC चेंज कर दिया, देखिए ये IC का नंबर भी देख लीजिए 3052। नहीं ये मार्केट में मिल जाएगा, नहीं मिलने से मेरा पास अवेलेबल है, आप लोग कमेंट में बताइए, चाहिए तो मैं भी दे सकता हूँ। अभी मैं ऑन करता हूँ और AC मोड में, ये देखिए UPS ऑन हुआ है, अभी मैं AC ऑन किया हूँ, देखिए चार्जिंग भी आ गया, हमारा फैन भी चल रहा है और अभी कोई वाइब्रेट साउंड नहीं कर रहा है, एम्पेयर भी नॉर्मल ले रहा है। तो सिर्फ एक IC की वजह से हमारा हाई एम्पेयर लेके बैठता है। लुमिनस का शक्ति चार्ज का सेट में ये IC मिलता है और ये मॉडल में रेपिडो में 3-4 मॉडल है उसमें ये IC लगा हुआ रहता है चार्जिंग में। ये कपलर चेंज कर देने से हाई एम्पेयर लेना छूट देगा आपका। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो एक लाइक कीजिए। इतना ही था आज का वीडियो, मिलते हैं अगला वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।